18 मार्च को चक्कीपाट बिजलीघर स्थित पूर्वोदय बुद्ध विहार का 69वां स्थापना दिवस एवं विशाल धम्म यात्रा समारोह आयोजित किया जाएगा। बुद्ध विहार से प्रातः बेला में धम्म शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 18 मार्च को चक्कीपाट बिजलीघर स्थित पूर्वोदय बुद्ध विहार का 69वां स्थापना दिवस एवं विशाल धम्म यात्रा समारोह आयोजित किया जाएगा। बुद्ध विहार प्रबंध समिति आगरा के मंत्री चौधरी राम गोपाल ने बताया कि 18 मार्च को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रामलीला मैदान में समाज के लोगों को संबोधित करने के बाद समाज के कुछ प्रबुद्ध जनों के साथ चक्की पाठ आए थे। तब बाबा साहब ने यहां तथागत भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी। 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा आए थे रामलीला ग्राउंड में, वो एक फेडरेशन को संबोधित करने के लिए। तो आगरा के जो गणमान्य लोग थे वो रामलीला मैदान में गए और बाबा साहब से विनती की कि आप जो है धर्म प्रवर्तन करना चाह रहे हैं, कृपा करके आप पास में ही बुद्ध चक्की पाठ है, वहाँ के बुद्धिजीवी आपको बुलाना चाह रहे हैं और आप यहाँ तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ के जो आगरा के गणमान्य लोग थे वो रामलीला मैदान में जाकर के बहुत विनती की। तो बाबा साहब शाम को 5 बजे रामलीला ग्राउंड से और यहाँ आगरा बुद्ध विहार पर आए, जो आज वर्तमान में बुद्ध विहार है वो बाबा साहब की ही देन है। चौधरी राम गोपाल ने सी न्यूज की टीम को बताया कि 18 मार्च को बुद्ध विहार के पास मैदान में भिक्षु संघ का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 69वीं धम्म यात्रा निकल रही है जिसमें रथ होगा, बाबा साहब के फोटो लगा होगा और 8:30 बजे पूजा बंदना से यहाँ से वो शुरू करेंगे आगरा के भिन्न भिन्न स्थानों पर होकर के, और 11 बजे इस बुधवार पर वापस आएंगे। और उसमें जो बाहर से आए हुए 200 बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेंगे, 200 बच्चे ट्रेनिंग लेंगे 17 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, और 18 मार्च को प्रातः 8 बजे यहाँ पूजा बंदना करने के बाद धर्म यात्रा निकलेगी। भिन्न भिन्न जगह 11:30 बजे वापस आएंगे और 11:30 बजे से शाम को 5 बजे तक जो बाहर से बहुत भिक्षु और बुद्ध जी भी आ रहे हैं उनके प्रवचन होंगे। बुद्ध विहार प्रबंध समिति आगरा ने बुद्ध विहार के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।